हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं रिसर्च, और रिसर्च में यूनिट नंबर 4 लिटरेचर रिव्यू। अब तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस और इम्पोर्टेंस, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज की आवश्यकता होती है, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी रिसर्चर यदि किसी विषय पर रिसर्च कर रहा है तो उसको रिसर्च करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, लिटरेचर रिव्यू की आवश्यकता पड़ेगी, और लिटरेचर रिव्यू के लिए कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू की अगर सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज हैं और सेकेंडरी सोर्सेज हैं। प्राइमरी सोर्सेज की अगर हम बात करें कि प्राइमरी सोर्सेज क्या क्या रहेंगे इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, तो इट इज़ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन गिवन बाई ए पर्सन। प्राइमरी सोर्स में अंदर कौन आता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। ये क्या होती है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, पहली बात। किसके द्वारा दी जाती है, किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, क्लियर। आगे देखो, हाउ इज कंडक्टेड ए रिसर्च एंड एस्टेब्लिश न्यू नॉलेज, कि कैसे एक रिसर्च कंडक्ट की जाती है और कैसे एक नई नॉलेज तैयार की जाती है। एस्टेब्लिश का मतलब तैयार करना, क्या नई नॉलेज, क्लियर। और कैसे रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है, ये जानकारी कौन दे, एक व्यक्ति दे। यदि कोई पर्सन इस बात की जानकारी दे कि कैसे रिसर्च कंडक्ट करनी है और कैसे नई नॉलेज तैयार करनी है, तो ये क्या हुई, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे देखो, इट इज़ इफेक्टिव वे टू गेट इन्फॉर्मेशन, ये सबसे प्रभावी तरीका है, इफेक्टिव वे, ये सबसे क्या है, प्रभावी तरीका है, क्या करने का, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का। एंड रिड्यूस द चांसेज ऑफ एरर, रिड्यूस द चांसेज ऑफ एरर, इफेक्टिव तरीका है, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन गेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें एरर आने की संभावना इसमें सबसे कम होती है, या उसको रिड्यूस कम करता है, ठीक है, रिड्यूस करता है। आगे देखो, बिकॉज, क्योंकि द इन्फॉर्मेशन गिवन बाई ए पर्सन, इन्फॉर्मेशन जो है किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती है, विच आर रिलेटेड टू आवर टॉपिक, जो हमारे टॉपिक से संबंधित इन्फॉर्मेशन देगा वह व्यक्ति, एंड पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, जिसको खुद उस बात का अनुभव होगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक रिसर्चर जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है उस टॉपिक के बारे में यदि कोई व्यक्ति पहले से अनुभव कर रखा है तो उससे यदि रिसर्चर जानकारी प्राप्त करता है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, सबसे इफेक्टिव वे है और इसमें एरर आने की संभावना कम होती है, ठीक है। एक बात जो है, मान लो मुझे कोई बात किसी व्यक्ति को बतानी है, ठीक है, अब वो बात मैं डायरेक्टली बताऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी अगर ये किसी और व्यक्ति को मैंने बोला कि जब उस व्यक्ति को कोई बात बता किया, ठीक है, तो ऐसे बात जब घूम के जाएगी तो एरर आने की संभावना हो सकती है, मैंने उसको क्या बोला, उसने वहाँ जाके क्या बोला, तो एरर की आने संभावना ज़्यादा रहती है। तो सबसे इफेक्टिव वे है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, और जिस व्यक्ति ने उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन खुद एक्सपीरियंस की है उससे इन्फॉर्मेशन लेना, क्लियर बच्चों, प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सोर्स में डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल सेकेंडरी सोर्सेज, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, जो भी डेटा कलेक्ट किए जाएंगे आइदर या तो इंटरनल सोर्स से किए जाएंगे या एक्सटर्नल सोर्स से किए जाएंगे। इट इज़ ए सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन विथ प्रोवाइड बाय द डेटा मटेरियल, यह एक प्रकार की सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, वाया वाया आती है, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन किससे प्राप्त होती है, डेटा मटेरियल से। डेटा मटेरियल कुछ भी हो सकता है, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, डायरी, नोट्स, मीडिया, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, जो भी है, क्लियर। अब इसमें कितने प्रकार का सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है वो हम आगे देखते हैं, तब तक आप नोट्स उतारिए, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चों ने नोट्स उतार लिए, आगे देखते हैं हम सोर्सेज में। जो सेकेंडरी सोर्सेज था हमारा, हमने देखा प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज में जो है इलेक्ट्रॉनिक सोर्स आएगा एक, तो एक प्रिंटेड सोर्स में पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, और एक आएगा अनप्रिंटेड सोर्स, ठीक है।
तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सोर्स की बात करते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक कौन से साधन है जिसके द्वारा कोई भी रिसर्चर क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आजकल जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा ही गेन की जाती है, ठीक है। तो इट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड लिटरेचर इन विच लिटरेचर सर्च थ्रू द वेब, कि कंप्यूटर असिस्टेड लिटरेचर है, मतलब इन्फॉर्मेशन जो भी होगी कंप्यूटर असिस्टेड होगी, यानी कंप्यूटर की सहायता से ली जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेड मतलब कंप्यूटर की सहायता से इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, ठीक है। इन विच लिटरेचर सर्च थ्रो वेब, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो वेबसाइट के जरिए ही सर्च की जाएगी। आजकल हम देखते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी इन्फॉर्मेशन या जानना रहेगा तो वो क्या करता है, सीधा गूगल पे जाता है, सर्च करता है और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेता है। आगे लिखा हुआ है इट मे बी वेरी यूजफुल, इट मे बी वेरी यूजफुल, जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फास्ट होती है और वेरी यूजफुल होती है, ठीक है। फास्ट इसमें लिखा नहीं है, आप ऐड कर सकते हो, इट इज़ ए फास्ट मेथड और कन्वीनियंट मेथड टू गेट द इन्फॉर्मेशन, इट इज़ वेरी यूजफुल। इसमें एग्जांपल के तौर पे आप गूगल लिख सकते हो, विस्टा, सिनाल है, इरेक है, मिडलाइन है, एम्बेस है, इथो है, रेडिक्स है, ये कुछ वेबसाइट्स के नाम हैं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, उनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। आप कोई भी आपके दिमाग में आए रहेगा तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। जिस भी फील्ड में रिसर्च करता है रिसर्चर तो वो उसी इनमें से किसी वेब का सिलेक्शन करेगा, कौन, रिसर्च करने वाला व्यक्ति, ठीक है। आगे देखो नंबर दो, प्रिंटेड सोर्स। ये नंबर दो आप इसको कैसे उतारोगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स साथ में लिखना, ठीक है। सबसे पहले कैसे, नंबर एक प्राइमरी सोर्स, नंबर दो सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स के जितने भी टाइप है वो आप ऐसे लिखना, फिर उसके बाद में आप प्राइमरी सोर्स लिख के उसका वो लिखना, फिर उसके बाद सेकेंडरी सोर्स का ये इलेक्ट्रॉनिक पहला, दूसरा प्रिंटेड, प्रिंटेड में ए है पब्लिश्ड और बी है अनपब्लिश्ड। तो प्रिंटेड सोर्स में देखो दो प्रकार के हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड की हम बात करें, इसके अंदर कोई लाइन अगर आपको ऐड करनी है प्रिंटेड सोर्स में, तो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिटन बाय सेल्फ और या फिर प्रिंटेड बाय द एनी इंस्ट्रूमेंट। पब्लिश्ड के अंदर, पब्लिश्ड का मतलब होता है वह इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली सबके लिए कॉमन होती है, ठीक है, और सब उसका यूज कर सकते हैं। आगे लिखा होगा इसमें कहीं ना कहीं, देखो पब्लिश्ड के अंदर बुक्स आ जाएगी, जर्नल्स, मैगजीन्स, पत्रिकाएं होती हैं। जर्नल्स जो होती है वो पुस्तिकाएं या पत्रिकाएं ही होती है एक प्रकार से, जर्नल्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पब्लिश्ड होती है, बाकायदा पेपर में आती है और इसको हम आराम से प्रिंटेड सोर्स के द्वारा इसको हम देख सकते हैं। और अनपब्लिश्ड की अगर मैं बात करूं तो अनपब्लिश्ड के अंदर आगे क्या लिखा है इसमें देखो एक मिनट, दीज टाइप्स ऑफ डेटा आर यूजफुल फॉर ऑल पब्लिक। ये जो डेटा है कौन से वाले, पब्लिश्ड वाले, तो ये डेटा सभी के लिए कॉमन होते हैं और कोई भी जाके इसको देख सकता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो अनपब्लिश्ड डेटा होते हैं, जैसे ऑफिस के रिकॉर्ड हो गए, पेशेंट का रिकॉर्ड हो गया या रिपोर्ट हो गया, कोई थीसिस हो गई या कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हो गया या पर्सनल डायरी हो गई या फिर पर्सनल लेटर्स हो गए, ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए ही, सेलेक्टेड पीपल्स के लिए ही यूज़फुल होती है। या फिर यूँ बोले कि इन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करने के लिए हमें उस व्यक्ति से परमिशन लेनी होती है जिसकी ये इन्फॉर्मेशन एस्टैब्लिश्ड की है, ठीक है। तो अनपब्लिश्ड के अंदर ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तीसरा जो हमारा सोर्स था, अनप्रिंटेड सोर्स की बात करें तो अनप्रिंटेड सोर्स में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी ऑडियो फॉर्म में मैक्सिमम रिकॉर्डेड रहती है। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा मेंशन कर दिया, जो अनप्रिंटेड सोर्स हैं जो कहीं पे लिखे हुए नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी है और इससे रिलेटेड भी है लेकिन ऑडियो फॉर्म में हैं, ठीक है। तो ये जो सोर्सेज हैं, साधन हैं जिनके द्वारा कोई भी रिसर्चर इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता है, ठीक है। तो आगे हमारे पास दो टॉपिक और हैं, स्टेप्स हैं और प्रिपेयरिंग किस प्रकार की जाती है लिटरेचर रिव्यू करने के लिए, ठीक है। तो ये सोर्सेज इतना ही हैं और
जो डेटा कलेक्ट करने का जो ये तरीका या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का जो ये तरीका है, इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आगे हम यूनिट पढ़ेंगे। कौन सी? डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन यूनिट में भी हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। पढ़ने का तरीका सिंपल है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें, नोट्स को नोटबुक में उतारें और फिर आराम से सुनते रहें और अपनी नोटबुक में देखते रहें, ठीक है। कोई भी दिक्कत रही तो आप कमेंट्स करें और मुझे बताएं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। आगे की क्लास, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे हैं स्टेप्स और प्रिपेयरिंग, वो हम अगली क्लास में लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय, ठीक है।